कर्नाटक चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में कांग्रेस की तरफ से पहली बार सोनिया गांधी रैली करने आई। उन्होंने हुबली में एक जनसभा को संबोधित किया। मंच पर आते ही सोनिया ने भाजपा को लोकतंत्र की परवाह न करने वाली पार्टी बताया। सोनिया ने कहा, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो डाका डालकर सत्ता हत्याने में माहिर है और उसे लोकतंत्र की परवाह नहीं है। सोनिया ने कहा, बीजेपी के नेता धमकी देते हैं, अगर वो नहीं जीते तो कर्नाटक के लोगों को पीएम मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा और दंगे होंगे। मैं बीजेपी को बताना चाहती हूं कि कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब इस राज के दिन बदलने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कांग्रेस को लेकर टिप्पणी की थी कि यह पार्टी आतंकवादियों का समर्थन करती है, जिसका जवाब देते हुए आज राहुल ने कहा, हमारे पीएम आतंकवाद की बात करते हैं, उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं। मेरे परिवार के लोगों को आतंकवादियों ने मारा, मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा। आतंकवाद क्या होता है और यह क्या करता है, पीएम से बेहतर मैं समझता हूं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।